फरवरी में दक्षिणी कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मनाली की 21 साल की आंचल ठाकुर ने स्कीइंग में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंचल ठाकुर को स्कीइंग में भारत के लिए पहला पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि से आह्लादित है। 21 बरस की आंचल ने अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग महासंघ द्वारा तुर्की में आयोजित अल्पाइन एडेर 3200 कप में कांस्य पदक जीता। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, शाबाश आंचल, स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के लिए पूरा देश आपकी इस उपलब्धि से खुश है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आंचल की इस कामयाबी पर देश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी तारीफ की है। आंचल अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। आंचल ने तुर्की के अर्जुम में हुई अल्पाइन एडा स्कीइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये इतिहास रचा है। मेडल जीतने के बाद आंचल ठाकुर ने ट्विटर पर अपनी खुशी का इजहार किया। आंचल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये वाकई अप्रत्याशित है, मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो कि मैंने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्की रेस में जीता है। इस जीत के बाद एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में आंचल ठाकुर ने कहा कि आखिरकार कड़ी मेहनत रंग लाई। आंचल ने कहा कि इस चैंपियनशिप के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी, अपनी रेस के दौरान भी मैंने अच्छी शुरुआत की, इसी का नतीजा रहा कि मैंने तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाबी पाई। आंचल के पिता रोशन ठाकुर भी इस खेल से जुड़े हैं, वो विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। ऐसे में बेटी को मिली कामयाबी पर पिता भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस मेडल से देश में इस खेल के हालात बदलेंगे। न्यूज इंडिया के लिए वेब डेस्क से भानु दीक्षित की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।